हेलो एवरीवन, बेथ किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ भिंडी प्याज मसाला रेसिपी। आज मैं आपको अलग तरह की भिंडी बनाना सिखाऊंगी। देखिए तो हमारी भिंडी का कलर कितना अच्छा आया है। इस तरह की भिंडी बनाओगे तो उंगलियाँ चाटते ही रह जाओगे। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए तो रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो भिंडियाँ ली हैं, उनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। आप इनको कपड़े की हेल्प से पोंछ लेंगे और 1 घंटा पंखे के नीचे रख देंगे। अब भिंडी के दोनों साइड के पोर्शन काट लेंगे। अब हर भिंडी के 2 पीसेस कर लेंगे। सारी भिंडियों को इस तरह ही काट लेंगे। हमने सारी भिंडियों को 2 पीसेस में काट लिया है। अब हमने ये प्याज लिया है, 2 मीडियम साइज के प्याज हैं। इनको इस तरह से काट लेना है हमने। देखो कैसे पीसेस किए हुए हैं मैंने, छोटे छोटे। अगर आपको ऐसे नहीं काटना है तो आप इसको लंबा लंबा करके ब्रीक करके भी काट लेते हैं। और थोड़ा सा मैंने प्याज, ये मैंने लंबा लंबा भी काट लिया है, ये भी हम यूज़ करेंगे इसको। और ये मैंने 4-5 टमाटर लिए हैं, मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। इनको भी छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है हमने। अब हम भिंडी बनाने शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 चम्मच बेसन के डालूंगी। 2 चम्मच मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया है। 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे हल्दी यूज़ की है। यहाँ पे हमने 1 चम्मच देगी मिर्च ली है। 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे नमक यूज़ किया है। नमक मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच ही यूज़ किया है, बाकी हम तड़के में डालेंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको सारी भिंडियों में ये मसाला लग जाए, बेसन लग जाए अच्छे से। दोस्तों मैंने यहाँ पे ये कढ़ाई ली हुई है। अब इसको हम हल्का सा गर्म होने देंगे। गैस मैंने स्लो रखी हुई है यहाँ पे। अब हम इसमें तेल डालेंगे। यहाँ पे मैंने ये 1 चम्मच तेल का डाल दिया। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच तेल के लिए हैं। दोस्तों तेल गर्म हो चुका है। अब हम ये वाले प्याज डालेंगे जिनके हमने ऐसे पीसेस कर लिए हैं। अब इनको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे गैस को फुल रखना है और इसको हल्का ब्राउन होने तक पकने देंगे। देखिए हमारा प्याज हल्का ब्राउन हो गया है। बस इतना ही करना है। गैस को हमने यहाँ पे स्लो कर दिया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने यही वाली कढ़ाई ली है। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, इसी में हम भिंडियाँ फ्राई कर लेंगे थोड़ी सी, 1 चम्मच। और ये 2 चम्मच तेल के डाल दिए हमने। अब हम इसमें ये वाली भिंडियाँ डाल देंगे, ये फ्राई कर लेंगे। इसको भी हल्का हल्का फ्राई करना है हमने। इसके अंदर मैंने सारी भिंडियाँ डाल दी हैं। अब हम इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गैस को फुल रखना है आपने यहाँ पे। यहाँ पे भिंडियाँ सारी अच्छे से मिक्स हो गई हैं, मसाला भी सारा मिक्स हो गया है, तेल भी अच्छा से मिक्स हो गया है। बस इसको 2-3 मिनट के लिए ऐसे थोड़ा सा फ्राई करना है हमने। देखिए तो हमारी भिंडियाँ अच्छे से फ्राई हो गई है। बस इतना सा ही फ्राई करना है। इसको मैंने 2 मिनट फ्राई करा है। अब ये अच्छे से हो गई हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देते हैं। देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। अब इसी प्लेट में निकाल लेते हैं। हमने गैस बंद कर दी है यहाँ पे। कढ़ाई में भिंडियाँ फ्राई करेंगे अच्छे से, बनाएंगे। अब सबसे पहले अब मैं इसमें सरसों का तेल यूज करूंगी। अब तेल यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सरसों का तेल ले रही हूँ।
यहाँ पे 3 चम्मच तेल के लिए हैं। अब हम तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। सरसों का तेल है, इसको अच्छे से गर्म करना है हमने। देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है अच्छे से। इसमें आप कोई भी तेल ले सकते हो। इसमें सबसे पहले हम 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे और 1/2 चम्मच यहाँ पे मैंने मेथी ली है। जो हमने ये प्याज लिया था लंबा लंबा काटा है, अब उसको अंदर डाल देंगे। गैस को हमने मीडियम फ्लेम पे रखना है। अब हम प्याज को अच्छे से ब्राउन होने देंगे। जो प्याज हमने फ्राई किया था उसको हम बाद में डालेंगे, पहले हम इसको ब्राउन होने देंगे। अब देखो हमारा प्याज हल्का ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। देखो तो मैंने ये 4-5 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, इनको बारीक काट लिया था, इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस को हम फुल मीडियम पे रखेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। 1 चम्मच इसके अंदर हल्दी का डालेंगे, 1 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच यहाँ पे हम सूखा धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ, आप नमक स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, और 1 चम्मच यहाँ पे मैं गर्म मसाला डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको हमने अच्छे से पकने देना है। अब हम इसको अच्छा कलर देने के लिए 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ। इसको हम अच्छे से थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं। गैस को मैंने फुल रखा हुआ है यहाँ पे। 1 चम्मच यहाँ पे मैं मसाला डाल रही हूँ जो मैंने खुद बनाया हुआ है, इसका लिंक मैं वीडियो में डाल दूंगी। अब इसको सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो हमने ये पीसा हुआ मसाला डाला था आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। ये मसाला मेरा अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर ये फ्राई किया हुआ प्याज भी डाल देंगे। अब मैं इसके अंदर 1 कटोरी दही की डालूंगी। अब इसको आपने फुल गैस में फटाफट हिला लेना है जिससे हमारा दही अच्छे से मिक्स हो जाए और फटे नहीं दही। दही डालने के बाद इसमें अच्छे से 2-3 बॉइल आने देने हैं जिससे ये अच्छे से दही पक जाए हमारा। 1 चम्मच यहाँ पे सेजवान सॉस का डाला हुआ है, मैंने इसको चटपटा बनाने के लिए 1 चम्मच यहाँ पे ये डाल दिया है, और इसका लिंक भी मैं वीडियो में अपलोड कर दूंगी। मैंने जो ये सेजवान सॉस डाली है ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। अब देखिए हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखो इसके अंदर ऊपर तेल आ गया है, मसाले ने हमारा तेल छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर घी डाल देंगे, रेडी हुई थी, अब इसको इसके अंदर डाल देंगे। गैस को यहाँ पे हम स्लो मीडियम कर देंगे। अब सारे मसालों को भिंडियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए हमारा मसाला भिंडियों में अच्छे से मिक्स हो चुका है, और हमारी भिंडियाँ देखने में कितनी अच्छी लग रही हैं, कलर भी कितना अच्छा आया है। अब हमने इसको 5 मिनट तक स्लो गैस में पकाना है। दोस्तों आपने इन भिंडियों को ढकना बिल्कुल नहीं है, अगर आप इनको ढक दोगे तो इसमें लेस से निकल आएंगे। आपने बिना ढक्कन के ही इसको मीडियम गैस में पकाना है। देखो दोस्तों हमारी भिंडी अच्छे से रेडी हो चुकी है।
इसको मैंने 15 मिनट स्लो गैस पे कुक किया है। इसको मैंने बिना ढक्कन के ही पकाया है। आपने इसको ढक्कन बिल्कुल नहीं देना है क्योंकि ये लेज छोड़ देगी, हमारी भिंडी अच्छी नहीं बनेगी। फिर देखो हमारी भिंडी कितनी अच्छी बनी है। देखो दोस्तों इसमें जरा भी लेस नहीं आया है, इतनी अच्छी बन गई है। अब हम इसको प्लेट में सर्व कर लेते हैं। हमारी चटपटी मसालेदार भिंडियाँ बनके तैयार हो गई हैं। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।